बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे रिकरेंस रिलेशंस क्या होते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन एक्सप्रेसेस द रनिंग टाइम ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिदम। दिस इंक्लूड हाउ मेनी रिकर्सिव कॉल्स आर जनरेटेड एट ईच लेवल ऑफ द रिकर्जन, हाउ मच ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ईच रिकर्सिव कॉल एंड हाउ मच वर्क इज डन एट ईच लेवल। रिकर्सिव जो रिलेशन है हमारे पास एक्चुअली रनिंग टाइम बता रहा होता है हमारे किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिदम का, और हर लेवल के ऊपर बता रहा होता है कि कितना जो है रिकर्जन कॉल हो रही है, कितनी रिकर्जन हर लेवल के ऊपर कितने टाइम्स कॉल हो रही है, और हमारा जो है वो रिकर्सिव कॉल से प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो रही है। रिकरेंस रिलेशन की तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके हमें बता रहा होता है। सो रिकॉल दैट रिकर्सिव और इंडक्टिव डेफिनेशन हैज़ फॉलोइंग पार्ट। दो चीज़ें हमारे पास इसके अंदर होती हैं जो कि दो केसेस के ऊपर हमारा रिकरेंस रिलेशन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, दैट इज़ बेस केस एंड सेकेंड इज योर इंडक्टिव और रिकर्सिव केस। बेस केस क्या होता है, द इनिशियल कंडीशन और बेसिस विच डिफाइन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। जो हमारे पहले एलिमेंट किसी भी सीक्वेंस के पहले एलिमेंट को जो बताता है उसको हम बेस केस बोलते हैं, और उसी को हम उसी की बेस के ऊपर अपने रेफरेंस रिलेशन को आगे से डिफाइन करना शुरू करते हैं। इंडक्टिव और रिकर्सिव केस क्या होता है कि ऐसा स्टेप इन विच लेटर टर्म्स इन द सीक्वेंसेस आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ अर्लियर टर्म्स, कि हम बेस केस को बुनियाद बनाकर या अपने रिलेशन के किसी भी ऐसे पार्ट को जो है वो बुनियाद बनाकर हम जो है वो नेक्स्ट को जो है वो एज्यूम कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंस रिलेशन क्या आ जाता है कि हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं जिसमें फैक्टोरियल है। सो फैक्टोरियल के अंदर होता क्या है कि हमारे पास वैल्यूज़ को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना था, तो 5 का फैक्टोरियल कर रहे थे कि फर्स्ट टाइम हमने 5 फैक्टोरियल, नेक्स्ट टाइम 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, एक्सपेंशन करते जाते हैं अपने जो है डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर की तरफ, हम लोएस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। सो 5, 4, 3, 2, 1 अप टू सो वन, जो हम डाउन की तरफ आते जाते हैं, तो हम ये जो सारा काम कर रहे हैं ये भी हमारे पास कर रहे होते हैं, एक्सपेंशन कर रहा होता है, और रिकर्जन कॉल 5 बार पर कॉल हो रहा है। 5 का हमने जो है वो फैक्टोरियल फाइंड करना था, तो 5 बार बार कॉल होगा। पहले 4 की तरफ एक्सपेंशन हुई, फिर 3 की तरफ, तो 5 बार बार कॉल होगा। तो हम चेक क्या करेंगे कितनी दफ़ा हमारा एक्चुअल फंक्शन जो है वो कॉल होता है। सो ये छोटा सा एल्गोरिदम जो हमारे पास फैक्टोरियल का लिखा है यही चीज बता रहा है, और रिकर्जन का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि कितनी दफ़ा हमारा रिकर्सिव कॉलिंग होती है। सो जो बेसिक मकसद हमारे पास रिकर्जन का था वो हम रिकर्सिव कॉलिंग को चेक कर रहे होते हैं। सवाल पैदा होता है कि वायर रिकरेंस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनी इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम इज ईजीली एक्सप्रेस्ड एज रेफरेंस स्पेशली डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम। किसी भी हमारे पास रेफरेंस की कम्प्लेक्सिटी को चेक करने के लिए वो हम रेफरेंस के थ्रू बहुत ईजीली कर सकते हैं। हम किसी भी एल्गोरिदम को चेक करते हैं कि उसके अंदर रेफरेंस कितनी दफ़ा आ रही है, उसके अंदर रिकर्सिव कॉलिंग कितनी दफ़ा हो रही है, उसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम की एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी को इजीली फाइंड कर सकते हैं। डिवाइड एंड कंकर मेथड के अंदर, क्योंकि हमने डिवीजन डिवाइड किया होता है अपने पूरे के पूरे फंक्शन को, पूरे के पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, एंड देन हम उसको जब फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एट द एंड जब मर्जिंग या मिक्सिंग के बाद हमारे पास कुछ चीज़ अनमिक्सड या अनमर्ज रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हम ये इस रिकर्सिव कॉलिंग के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए और उसके अंदर इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी भी उसकी अच्छी हो। सो व्हाई टू सॉल्व रेफरेंस रिलेशन, तो उसकी बेसिकली हमारे पास ये जो 3 बेसिक रीजंस लिखे हैं, टू मेक इट ईजियर टू कंपेयर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम टू स्टैंडर्ड रेफरेंस फंक्शन। यही बात जो अभी हम ऊपर कर चुके हैं कि हमारे पास मकसद क्या होता है कि कंपेयर कर सकें कम्प्लेक्सिटी को, टू मेक इट ईजियर टू कंपेयर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ 2 एल्गोरिदम्स, दैट गुड ऑब्टेनिंग द एसिम्प्टोटिक बाउंड ऑन द सॉल्यूशन। हमने शुरू के अंदर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ी थी, बिगो, बिग थीटा, सो बिगो मेगा वगैरह। सो ये चीज़ें ऑब्टेनिंग एसिम्प्टोटिक बाउंड, हमें बाउंड, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इन सारी चीज़ों को फाइंड करने के लिए सॉल्यूशंस के, तो हमें ये काम रेफरेंस रिलेशन को यूज़ करना पड़ता है।
हमारे पास फिर आ गया रिकन्सिलेशन ऑफ फैक्टोरियल एल्गोरिदम, हमारे पास फाइंड करना हो अगर तो जिस तरह हमने एल से पहले की कंडीशन है एन लेस देन इक्वल टू वन दैट इज़ वन, अदरवाइज एल्स वाले पार्ट में जाता है दैट इज़ एन माइनस वन प्लस वन, तो हमारे पास दो ऐसे कंडीशन आ गई थी। सो मेथड टू सॉल्व रिकन्सिलेशन, देर आर थ्री मैथड टू सॉल्व रेफरेंस रिलेशन टू कम्प्लेक्सिटी फंक्शन और फंक्शन बाउंड, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, रिकर्जन ट्री मेथड है, मास्टर थ्योरम है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिकर्जन ट्री मेथड को देखेंगे एंड उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी डिटेल से देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका टोटली रिकर्जन ट्री मेथड के ऊपर डील करेगा एंड उसके अंदर आपको रिकर्जन ट्री को डिटेल से द सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क विद टू स्टेप दैट इज गेस द फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन, कि हम पहले ही अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लें गैस के थ्रू एंड यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट द सोल्यूशन वर्क्स, या एक मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड को यूज़ करते हुए हम जो है उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करें। सो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ रेकरेंस टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस वन, सो बट टी एन माइनस वन इक्वल टू टी एन माइनस टू प्लस वन, ये हमने इसी ये हमारे पास इक्वेशन थी इनिशियली टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस वन। सो टी एन माइनस वन की वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड की, टी एन माइनस वन की वैल्यू हमने इंडक्ट की दैट इज इक्वल टू टी एन माइनस टू प्लस वन, देन हमने इस वैल्यू के अंदर इक्वेशन वन के अंदर इसको पुट किया टी एन माइनस वन की वैल्यू को, जो कि हमारे पास टी एन माइनस टू प्लस वन आई थी, इसको पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई टी एन माइनस टू प्लस टू। सो आगे नेक्स्ट एन माइनस टू की वैल्यू, टी एन माइनस टू की वैल्यू हमने फाइंड की दैट इज इक्वल टू टी एन माइनस थ्री प्लस वन, सो अगेन हमने इसको पुट किया अपनी इक्वेशन नंबर टू के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू क्या है टी एन इक्वल टू टी एन माइनस थ्री प्लस टू दैट इज इक्वल टू टी एन इक्वल टू टी एन माइनस थ्री प्लस थ्री। इट्स मीन कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टी एन माइनस फोर टी एन माइनस फाइव टी एन माइनस सिक्स, तो हमारे पास जो बाहर की वैल्यू है वो भी उसी तरह से बढ़ती जाएगी। सो यहाँ से हमने एज्यूम क्या किया कि अप टू सो ऑन जब हम मूव करते जाएंगे तो हमारा पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा कि अप टू के वैल्यू तक हम जब चलेंगे तो हमारे पास कुछ सिचुएशन इस तरह से बन जाएगी टी एन इक्वल टू टी एन माइनस के प्लस के, सो दैट इज इक्वल टू एन माइनस के इक्वल टू वन, एंड जबकि एन की के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन माइनस वन। हमने एन की वैल्यू को के की वैल्यू को थ्री इक्वेशन के अंदर पुट किया तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू एज्यूम होगी जो वैल्यू इसके अंदर से निकलेगी वो एट द एंड आकर हमारे पास बिग गो ऑफ एन आएगा, जिससे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू अपने कम्प्लेक्सिटी को एक रेफरेंस रिलेशन की जो है वो फाइंड कर लेंगे। सो दिस इज़ द वेरी इजीएस्ट वे कि हम किस तरह से अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू जो है वो कम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह आप किसी भी फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी को आगे ये एग्जांपल्स मौजूद हैं इसके थ्रू आप अपने किसी भी फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द ईजिएस्ट वे यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड फाइंड कम्प्लेक्सिटी। सो होप सो यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर, दिस इज द एल्गोरिदम, बेसिक एल्गोरिदम, यू कैन फाइंड द लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शंस ऑफ अरिथमेटिक और नॉट अरिथमेटिक हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सो लॉगरिथम्स को किस तरह से हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सो हम इस इक्वेशंस को यहाँ पर हम देख लेते हैं ए इक्वल टू बी पावर सी। सो हमने लॉगरिथम का रूल पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास पावर होती है वो हमारे पास बेस बन जाती है, और जब लॉग में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो बेस होती है वो लॉग की बेस बन जाती है। सो ये हमारे पास लॉगरिथमिक हमारे पास डिफाइंड मैथमेटिक का रूल है जिसके बेस के ऊपर हमने इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट किया। लॉग बेस टू एन इक्वल टू लॉग एन दैट इज़ बाइनरी लॉगरिथम, और नेचुरल लॉग ऑफ एन इक्वल टू लॉग बेस ई, लॉग बेस ई दैट इज़ वैल्यू नेचुरल लॉगरिथम होता है हमारे पास जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 होती थी मैथ के अंदर, नेचुरल लॉग ऑफ एन, और ये एंटी लॉग ऑफ एन था। एंड लॉग पावर